नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा नाग चंपा के पौधे को कैसे गमले में लगाएं, क्या मिट्टी लगती है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पौधा दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गमले में मिट्टी कैसे डालते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये गमला और गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी, तो ये मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी ली हुई है 50%, और 50% मैंने जो है कंपोज लिया हुआ है। अगर आपके पास कंपोज नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये DAP है, दिखा देता हूँ, ये देखिए ये DAP है, बस इतना ही, 7 से 8 दाना मैंने इसमें डाल के रखा हुआ था। तो 3 दिन हो चुके हैं, ये DAP में डाल चुका हूँ, अभी नहीं डालूंगा। इसके अलावा ये देखिए नीम खली है, तो इसको मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला था नीम खली, तो ये भी 3 दिन पहले ही डाला था और मिला के रख दिया हूँ मैं। और इसमें खाने का चूना, एक चूने के मतलब एक चना होता है उसके बराबर, तो मिक्स करके मेरी मिट्टी तैयार है। ये देख लीजिए आप, 3 दिन हो चुके हैं, अब मैं इस पे पौधा लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस है आगे बताता हूँ। दोस्तों, ये गमला और गमले में देखिए ये होल देख रहे होंगे आप, ये जरूर आप होल कीजिए आप, नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इस तरह से होल कर लीजिए, और गमले का टुकड़ा हो या फिर इस तरह के पत्थरे हो इसको इसके ऊपर रख दीजिए, देखिए इस तरह से। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। अब हम अपना पौधा चेक करेंगे इसमें। दोस्तों, कभी भी पौधा लाए तो इस तरह से देख ले आप, एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त और मोटा होना चाहिए। अब हम इसके पन्ने को फाड़ देंगे। और अब जो है हम इसको पानी में डाल देंगे ताकि इसकी मिट्टी जो है निकल जाए। पहले हाथ से निकाल लेते हैं मिट्टी इसकी। अब जो हम इसको पानी में निकाल लेंगे ताकि जो है इसकी जड़ जो है वो नरम हो जाए। ये देखिए, अब हम जो है इसकी जो एक मुख्य जड़ है, ये 2 है, इसमें से 1 को काट देंगे ताकि हम गमले में आसानी से लगा सके। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधे की मैंने जड़ काट दी, अब हम इसको लगाएंगे। गमले की मिट्टी मेरे पहले से ही तैयार है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो हम इसको एकदम सेंटर में लगाएंगे ताकि जो है इसमें जो है हमें फूल जो है वो अच्छे से मिले और पौधा पनपे भी अच्छे से।
तो जब भी ये पौधे को इस तरह का काम करे तो पानी अवश्य डालें, और इसके बाद इसको मैं कम से कम 15 दिन तक छांव में रखूंगा ताकि पौधा अच्छे से पनप जाए। और अच्छे से दबाऊंगा इसको, तो इसमें हम जो है अच्छे से मिट्टी डालेंगे और इस तरह से 15 दिन तक मैं इसको छांव में रखूंगा। इसके बाद आप चाहे तो धूप में रख सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, जब भी ऐसा कोई काम करे तो पानी अवश्य डालें, और इसको छाया में रख दूंगा मैं 15 दिन के लिए।